सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू ऑल नो कि 24 तारीख को है बैलन डॉर का अनाउंसमेंट, दैट इज़ द फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। एंड एक शॉर्ट लिस्ट आया था जिसके बिना पर हम एक्चुअली ट्राई करेंगे फिगर आउट करने की कौन से टॉप कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि बैलन डॉर जीतने वाले हैं। एंड जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो इन दिस डिस्कशन इज माई बड़ी, माई ब्रदर कुशाग्र। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम मैन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है कि आप भी मुझे इतने बड़े YouTube चैनल पर। चल अभी अवार्ड स्पीच नहीं है, चल शुरू करते हैं। अच्छा एक मिनट रुक यार, शिट मेरे लैपटॉप की बैटरी थी। वेल डन। सो वी विल बी हैविंग अ टॉप 5 सॉर्ट ऑफ अ शोडाउन, जहां पर भाई अपना टॉप 5 बताएगा और मैं अपना टॉप 5 बताऊंगा। डिस्कशन करेंगे कि यार क्या यही प्राइम कैंडिडेट्स हैं बैलन डॉर जीतने की। Hope you get an insight, and if you're excited about the video, please make sure to drop a like and hit the subscribe button. Turn the notification bell on for further notifications of latest content from the channel. With that being said, मेहमान नवाजी करते हुए सर आपका नंबर 5 कौन है? पता नहीं, मेरे को खोलने दो एक बार। ये देखो कंटेंट क्रिएशन करने आए हैं, ये देखो। दो मिनट सर। एक्चुअली नंबर 5 के लिए दो कैंडिडेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज है कॉम्पिटिशन में। The first one is Kylian Mbappe from PSG. He had a wonderful season with 37 goals and 17 assists, won the UEFA Nation Leagues, Coupe de France and Trophy des Champions. And secondly, Karim Benzema, जिनकी अभी काफ़ी ज़्यादा hype चल रही है, पता नहीं क्यों। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी ज़िंदगी में इन्होंने सबसे ज़्यादा इंग्लिश इस वीडियो में इस वक्त बोली है। गजब बेइज्जती है। ओके नहीं, करीम बेंजेमा एक्चुअली वाज रियली, मतलब ऐसा कि हाइप बहुत ही बन गया था स्पेशली आफ्टर नेशंस लीग जीत गए वो लोग। बट मेरा टॉप 5 में 5th जो है, आई डोंट थिंक देयर कैन एवर बी अ टॉप 5 विदाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग टू बी माई नंबर 5। मुझे लगता है कि रोनाल्डो इज़ अ बेटर कैंडिडेट क्योंकि 40 प्लस गोल्स हैं एंड 2 ट्रॉफीज़ भी जीता है। मतलब सेरिया तो नहीं जीता बट कोपा इटालिया एंड द इटालियन सुपर कप भी जीते थे। एंड रोनाल्डो वॉज रियली गुड, मतलब टॉप स्कोरर भी था सेरिया में, गोल्डन बूट था। नहीं, मेरे हिसाब से रोनाल्डो डिजर्व करता है हमेशा टॉप 5 में होने के लिए, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जिन्होंने ये स्पोर्ट खेला है। बट इस टाइम के लिए आई थिंक कि उससे ज़्यादा बेटर डिजर्विंग बंदे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यूवेंटस के बारे में मैं जितना कम कहूँ उतना बेहतर है। चलें जी, मूविंग ऑन टू नंबर 4। नंबर 4 सर आप बताओ क्या है, कौन प्लेयर आपका नंबर 4? नंबर फोर इज अ गाय जो कि काफ़ी डिबेटेबल हो सकता है और काफ़ी लोगों को लग सकता है कि शायद वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अब बैलन डॉर में जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है, जो स्टैट्स जो है इंडिविजुअल, वो इतने मैटर नहीं करते हैं जितना कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। और इस बंदे ने इस सीज़न अपनी जी जान लगा दी और इस सीज़न इसकी टीम की सक्सेस के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। The one and only N'Golo Kanté. वाह दैट्स नाइस। एक्चुअली मेरा नंबर 4 भी N'Golo Kanté ही है, एब्सोल्युटली। क्योंकि यार मैं सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव सोच का भी आदमी हो सकता हूँ उसमें, कि मतलब ही वॉन लाइक द चैम्पियंस लीग, ऑल्सो द सुपर कप, और अभी मतलब फ्रांस की टीम में तो नहीं था बट 2 बड़ी यूएफा ट्रॉफीज़ कांटे ने जीती हैं और जी जान लगाई एब्सोल्युटली इस सीज़न में। कांटे ने बॉल जीतनी हो चाहे बॉल को लेकर आगे बढ़ना हो, कांटे वॉज सुपर ऑल अराउंड द पिच। तो मुझे लग रहा था कि यार कांटे को टॉप 5 में होना ही चाहिए। जो लोग ग्रीज़मैन को सपोर्ट कर रहे हैं वो गधे हैं, डिस्क्लेमर। बट कांटे एब्सोल्युटली डिजर्व टू बी इन द टॉप 5। एंड सो टॉप 5 में से 2 स्पॉट्स हो गए हैं फिल, टॉप 3 की रेस है। दिस इज द टाइम लैड्स एंड लेडीज, प्लीज गो डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड कॉमेंट हु आर योर टॉप 3 टू विन द बैलन डॉर। आगे बढ़ते हैं, एंटर इन द टॉप 3, द रेस इज हीटिंग अप। नंबर 3 पे सर आपने किसे रखा है? सर देखो, टॉप 3 जो है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहा है बैलन डॉर में, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। बट ये जो बंदा है, ये आई थिंक कि अगर ये नंबर 3 नहीं होगा तो या तो ये बैलन डॉर विन करेगा, ठीक है, या तो फिर ये काफ़ी पीछे इसको स्टैंड करा जाएगा। क्योंकि आई थिंक जॉर्जिनियो जो एक प्लेयर है उसने इस सीज़न काफ़ी परफॉर्मेंस दी है और बहुत ज़्यादा मेजर ट्रॉफीज विन की, चाहे वो यूरोज हो, चाहे वो चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग हो, सुपर कप हो, ठीक है,
और आई थिंक कि वो टॉप थ्री में डिजर्व करता है इस टाइम रहना. सो मेरे लिए टॉप थ्री जॉर्जिनियो होगा. ओके सो द थिंग इज जॉर्जिनियो मेरे टॉप थ्री में है बट वो तीसरे नंबर पे नहीं है. नाउ आई नो पीपल माइट एज वेल गेट ट्रिगर्ड बट नंबर थ्री फॉर मी इज रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की. मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ. देखो मुझे पता है बहुत लोग गुस्सा होंगे इस बात पे बट देखो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हैड अ ब्रिलियंट सीजन. चलो बुंडेसलीगा जीत गए मतलब डीएफबी पोकाल नहीं जीते. यूरोस उतना खास नहीं था आईड से रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का. एंड लाइक ठीक है रिकॉर्ड तोड़ा है गोल्डन बूट था एंड ऑल. यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर भी बनाए बट यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर एंड बैलोंडोर के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मतलब क्राइटेरिया जो भी होता है वो मेरे हिसाब से बैलोंडोर से अलग होते हैं. अगेन प्रिमिटिव सोच आगे आ रही है कि भैया मेजर टूर्नामेंट्स जॉर्जिनियो ने ज़्यादा जीते हैं एज कम्पेयर टू रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की. तो आई एम सेइंग रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की इज नंबर थ्री. मेरे को नहीं पता फैच क्रिकेट हो रहा हो मैं जरूर होगा यहाँ पे क्योंकि आई थिंक लेवेंडोव्स्की इस सीजन प्राइम कंटेंडर है बैलोंडोर के लिए और इसीलिए मेरी लिस्ट में लेवेंडोव्स्की इज नंबर सेकेंड. तो मेरे को लगता है कि लेवेंडोव्स्की ने इस सीजन जितना भी प्रोवाइड किया है वो पूरा पूरा कंटेंडर है सीजन बैलोंडोर जीतने का. ठीक है और इस सीजन लेवेंडोव्स्की की जीए जो है 59 गोल्स नॉट एन इजी टास्क टू डू. मेसी रोनाल्डो के बाद आई थिंक लेवेंडोव्स्की इज द फर्स्ट वन जिसने ये ट्रेडमार्क अचीव किया. ट्रेडमार्क नहीं लैंडमार्क होता है चाचा. और उसके बाद जर्ड मुलर का रिकॉर्ड लेवेंडोव्स्की ने तोड़ा है और अभी भी इन 2021 लेवेंडोव्स्की की जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी है बहुत आउटस्टैंडिंग है. सो आई थिंक लेवेंडोव्स्की इज फॉर मी एट द सेकंड स्पॉट क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट स्पॉट और सेकंड स्पॉट के जो प्लेयर्स हैं उसमें लाइक इट्स लाइक 49-51%. ओके लास्ट एंड नंबर वन स्पॉट द प्राइम कंटेंडर टू विन बैलन डोर दिस सीजन आई गेस हम दोनों इसमें सहमत होंगे has to be Messi. I mean Copa America जैसे अर्जेंटीना जीती मुझे लगा कि तभी ठप्पा लग गया स्टैम्प पेपर की भाई मेसी को दे दो बैलन डोर. हम हमेशा से मेसी रोनाल्डो की जो डिबेट है उसमें एक पॉइंट हमेशा से उठाते थे कि मेसी के पास इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है जो कि इस सीजन मेसी ने प्रूव किया है और विद लीडरशिप प्रूव किया है मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस बार्सिलोना के साथ भी जो कि बार्सिलोना की टीम जो फंबल काफ़ी टाइम से कर रही है उसके साथ भी टॉप स्कोरर होना उतने ही इफेक्टिव होना उतने ही असिस्ट प्रोवाइड करना और उसके बाद कोपा अमेरिका में भी बेस्ट प्लेयर होना और आई थिंक कोपा अमेरिका और उसके साथ कोपा डेल रे मेसी जीता है सीजन. तो आई थिंक ये सीजन मेसी डिजर्व करता है बैलन डोर ले जाना उसका सेवेंथ बैलन डोर और आई थिंक फेयर ट्रेड हुई. एब्सोल्युटली मतलब यार मेसी वो जान रही है लास्ट सीजन मतलब बारसा की टीम जितना स्ट्रगल कर रही थी ग्रीजमन के आने और सुआरेस के जाने के बाद भी बारसा स्ट्रगल कर रही थी मेसी वॉज अ कॉन्स्टेंट पॉजिटिव मुझे लग रहा था कि एंड ऊपर से कोपा अमेरिका में पागल हो रखा था मेसी मतलब दिख रहा था कि उसको चाहिए इंटरनेशनल ट्रॉफी एटलीस्ट कोपा अमेरिका चाहिए क्योंकि अर्जेंटीना तीन बार अब तक जीत चुकी होती कोपा अमेरिका आराम से. चिले से पेनल्टी शूट आउट में भी हारे थे वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट. मेसी का मतलब डेस्टिनेड था कि एक इंटरनेशनल ट्रॉफी मेसी लेके जाएगा और वो उसने किया. ऊपर से ऑब्वियसली गोल फेस्ट रहती है मेसी अगर पिच पे रहेगा तो पीएसजी के लिए कितनी रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं बट जो भी है मेसी इज डेफिनेटली अ प्राइम कंटेंडर ऑलवेज टू विन द बैलन डोर. एडिंग अ सेवंथ टू हिज कैबिनेट डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली. सो दैट्स इट कर लो ये कर लो पहले हाँ ये कर लो. विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच कुशाग्र फॉर ज्वाइनिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज कारा साइनिंग ऑफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.